Love you, superstar. Episode 1. Don't break the promise. गर्मियों का मौसम अब खत्म होने को था। हल्की हल्की सी धूप थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी खाली सड़क पर एक रेड होंडा सिटी बहुत स्पीड में निकली। तेज चलती हुई उस कार से श्रेया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आलिया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक फिल्मी हीरो के पीछे भागती हो? तुम्हें और कुछ नहीं आता क्या? आखिर कब बंद होगा ये पागलपन? आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्रेया फिर से चिल्लाई, ओ गॉड, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? हेलो दी, बस एक सेकेंड ना, मैं ना एक फैन वॉर के बीच में हूँ अभी। ये फाइट फिनिश करके मैं आपसे आराम से बात करूँ, प्लीज? आलिया ने प्यार से बहुत मीठी सी आवाज में कहा। श्रेया ने उसे घूर कर देखा, फिर बहुत ही जोर से स्टेयरिंग व्हील घुमाते हुए रोड के साइड में गाड़ी पार्क कर दी। कार से बाहर निकलकर श्रेया ने आलिया को वार्निंग देते हुए कहा, लिसन, मैं एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए जा रही हूं, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, ओके? तब तक एक अच्छी बच्ची की तरह यहीं बैठे रहना, मेरा इंतजार करना, कहीं इधर उधर मत निकल जाना। आलिया ने बिना उसकी तरफ देखे हाँ में सर हिलाया और इंस्टाग्राम पर टॉप ट्रेंड स्टारडम नाइट सर्च करके ऑपोजिट ग्रुप के फैंस के साथ फिर से ट्रेंड वॉर शुरू कर दिया। काफी देर तक मोबाइल पर लगातार अपनी पतली नाजुक उंगलियां चलाने के बाद आखिर आलिया ने रिलैक्स होकर एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो उसके ऊपर से। अगर यही वो फेमस स्टारडम नाइट ग्रुप है तो इसके फैंस का लेवल इतना डाउन क्यों है? बुरा समूह बनाते हुए आलिया मन ही मन हंसने लगी। ये सब सोचकर मुस्कुराते हुए मुश्किल से कुछ सेकंड ही हुए थे कि आलिया की कार अचानक से हिलने लगी। आलिया घबरा गई। उसने देखा कि उसकी कार धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रही है। जब रियर व्यू मिरर में देखा तो उसको रोना आ रहा था पर आंसू नहीं निकले। श्रेया वैसे तो उसकी कजिन थी लेकिन बिल्कुल एक सगी बहन की तरह थी। तेज स्पीड में कार चलाने की श्रेया की आदत को तो आलिया सह लेती थी लेकिन ऐसे कोई गाड़ी पार्क करता है क्या? जब कार पीछे खिसकती जा रही थी तो आलिया ने देखा पीछे एक शानदार चमकती हुई काले रंग की BMW खड़ी थी। आलिया दोनों कारों को क्रैश होते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। आलिया को एक पल के लिए लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। टक्कर होने ही वाली थी कि उसने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। टक्कर से हुए नुकसान को देखने के लिए आलिया ने अपनी आंखें खोली और घबराते हुए कार से बाहर आई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी कार दूसरी कार के बम्पर से बस जरा सा छूके गई थी और उस कार के एक जगह बस एक छोटा सा स्क्रैच पड़ गया था, जबकि श्रेया की कार पर एक छोटा सा भी स्क्रैच नहीं पड़ा था। आलिया ने झांक कर उस BMW कार की तरफ देखा। कार की खिड़की के शीशे ब्लैक थे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था कि कार के अंदर कौन है, लेकिन स्क्रैच पड़ने के बाद भी जब कार से कोई बाहर नहीं आया तो इससे कंफर्म हो गया कि कार के अंदर कोई नहीं था। वो जल्दी से भागकर उस कार के पास गई और उस पे लगे स्क्रैच को अपने हाथों से रगड़ कर मिटाने लगी। आलिया ने चारों तरफ देखा तो पार्किंग के आसपास भी कोई नजर नहीं आया, इसलिए उसने अपनी स्कर्ट उठाई और स्कर्ट से मार्क को रगड़ के साफ करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
ब्लैक शाइनिंग बीएमडब्ल्यू पर स्क्रैच जैसे का तैसा ही लग रहा था। आलिया को लगा अब तो इस कार डैमेज के पैसे ही देने पड़ेंगे, और नुकसान की पेनल्टी भरने के बाद श्रेया उसे आज शाम की पार्टी पर भी नहीं लेकर जाएगी। इस जरा सी लापरवाही की वजह से उसकी आज शाम की पार्टी मिस हो जाएगी। ये सोचकर उसका मूड बहुत ऑफ हो गया। आलिया गुस्से में बीएमडब्ल्यू ब्लैक विंडो पर फ्रस्ट्रेशन में अपने नाखूनों को स्क्रैच करने लगी। अचानक से बीएमडब्ल्यू की ब्लैक विंडो नीचे हुई और एक ठंडी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या आपका दिमाग सच में खराब है? आलिया पूरी तरह घबराकर जैसे स्टैच्यू सी बन गई। आलिया ने सोचा, ये कार में कहां से आया? उसने झांक कर कार के अंदर देखा। पीछे की सीट पर ब्लैक कैजुअल ड्रेस और आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए एक हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। आलिया बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, और फिर वो घबराते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। क्या आप थोड़ी देर वेट करेंगे? मेरी कजन अभी अंदर से आती होगी, वो जैसे ही आएगी हम आपकी नुकसान की भरपाई कर देंगे। आलिया की बात सुनकर वो आदमी हंस पड़ा। हंसते हुए उसके पतले होठों पर जाने कैसी कशिश थी, तो उसने पूछा, ओ रियली, किस तरह कंपनसेट करोगी तुम? उसके इस तरह पूछने पर आलिया थोड़ी सकपका गई, फिर भी स्माइल करते हुए बोली, वैसे तो बहुत छोटा सा स्क्रैच है, तो इसके लिए 5,000 ठीक रहेंगे। उस आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको घूरा। आलिया उसके ऐसे बिहेवियर से थोड़ा टेंशन में आ गई। उसने पूछा, क्या आपको और पैसे चाहिए? मैंने पहले ही बोला था मैम, आपका दिमाग शायद सच में खराब है। उसके दिमाग खराब वाली बात सुनकर आलिया को अचानक गुस्सा आया, और गुस्से में होंठ दांतों से दबाते हुए बोली, मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी पूरी फैमिली का दिमाग खराब है। अगर हल्के से स्क्रैच के 5,000 भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो और कितना चाहिए तुम्हें? आलिया एक सांस में बोलते हुए उस कार के अंदर बैठे आदमी पर चिल्लाने लगी। उस आदमी ने आलिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने आलिया की इस बात पर उसे घूर कर देखा। उसकी नजरों से आलिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, तो वो अपने आप ही धीरे से एक दो कदम पीछे हट गई। उसको आज तक ऐसे किसी ने घूर कर नहीं देखा था। उस लड़के ने बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? इस क्रैच के तुम मुझे 5,000 रुपए दोगी? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये बीएमडब्ल्यू पे लगा स्क्रैच है, ना कि तुम्हारी उस डब्बे वाली कार पर। आलिया ने एक सेकंड सोचा, फिर अचानक से उसे एहसास हुआ कि उस लड़के ने उसको क्या कह दिया है। यू, तुमने मेरी कार को डब्बा कहा? आलिया उसकी बात पर गुस्से से तिलमिला सी गई। ओके, तो बताओ मुझे, आखिर तुम्हारी कार पे लगे स्क्रैच के लिए मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? इससे पहले कि वो आदमी कुछ कहता, आलिया ने देखा लगभग 50 साल का एक आदमी उनकी तरफ जल्दी जल्दी भागा चला आ रहा था। जल्दी से आकर उसने पीछे की सीट पर बैठे इंसान को सल्यूट किया और कहा, माफ कीजिएगा सर, वो थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, उसने बिल्कुल लापरवाही से कहा। वो आदमी ड्राइवर था। जैसे ही उसने कार को देखा, फौरन समझ गया कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। उसने गुस्से में आलिया की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, ये कार तुम्हारी है? मैं तो कार साइड में पार्क करके गया था, तुम्हारी ही गलती के वजह से कार टकराई है ना? आलिया परेशान हो गई। पिछली सीट पर बैठे इंसान ने
उसको और परेशान करते हुए कहा, राघव, इस लड़की ने कहा है कि वो मुझे इस क्रैच के 5,000 रुपए देगी, क्यों? ठीक है ना? उसने आलिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। अपने मालिक की बात सुनकर ड्राइवर की आंखें बाहर आ गईं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम इस स्क्रैच के 5,000 दोगी? तुम्हें पता है कि ये कार कितने की है? तुम्हें पता भी है कि ऐसी कार की रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आती है? क्या तुम जानती भी हो कि इस कार में जो बैठे हैं वो कौन है? आलिया को कार में बैठे उस शख्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए आलिया ने ना में सर हिला दिया। वो आदमी आलिया की बेवकूफी और भोलेपन पर मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। आलिया व्हाइट कलर की स्कर्ट और टॉप पहने हुई थी। उसके खुले हुए सिल्की बाल कंधे तक आ रहे थे और चेहरा बिल्कुल बेदाग और नाजुक सा लग रहा था। उसकी आंखें काली रात में चमकने वाले किसी तारे की तरह जगमगा रही थी। और कुछ देर पहले जब उसने कार का स्क्रैच मार्क साफ करने के लिए अपनी स्कर्ट हल्की सी ऊपर उठाई थी, तो उसकी गोरी थाइज भी कार में बैठे आदमी को साफ नजर आई थी। और फिर सामने तराशे हुए बदन के साथ वो एक कंप्लीट गुड लुकिंग गर्ल लग रही थी। गाड़ी में बैठा इंसान आलिया को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा और तुरंत अपने ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा, ये सब बाद में देख लेना, पहले मुझे एयरपोर्ट ले चलो। फिर उसने बैक विंडो नीचे की और उंगली के एक इशारे से आलिया को अपने पास बुलाया। इससे पहले आलिया को एहसास होता कि उसे क्या करना है, वो उस आदमी की तरफ किसी सम्मोहन में बंधी बढ़ती चली गई। अब उस आदमी ने सनग्लासेस उतार दिए थे, जिससे उसका हैंडसम फेस आलिया के एकदम सामने था। बड़ी और गहरी आंखें और पतले होंठ, उसका चेहरा किसी शाही राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। और बाई आंख के नीचे एक छोटा सा तिल किसी भी लड़की को हिप्नोटाइज करने के लिए काफी था। जरा अपना फोन दो मुझे, उसने गहरी सी आवाज में आलिया को जैसे ऑर्डर देते हुए कहा। आलिया ने ना चाहते हुए भी पता नहीं कैसे उसे अपना फोन दे दिया। उसने आलिया से उसका फोन लिया और जल्दी से अपना नंबर उसके ऊपर टाइप करके कॉल किया। कुछ ही सेकंड में उसका सेलफोन बजा और उसने आलिया का फोन उसे वापस करते हुए कहा, अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। और वो BMW कार स्पीड में वहां से निकल गई। जब श्रेया अपनी मीटिंग खत्म कर वहां पहुंची तो उसने देखा कि आलिया वहीं खड़ी है और न जाने क्या सोचकर मुस्कुरा रही है। श्रेया ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए पूछा, ओ हेलो आलिया, व्हाट हैपेंड, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? आलिया अभी भी मुस्कुरा रही थी। दीदी, मैंने अभी अभी सच में एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा, वो बिल्कुल मेरे फेवरेट हीरो जैसा लग रहा था। कहते कहते आलिया एकदम से रुक गई और जल्दी से अपना फोन निकाला। श्रेया बस उसे हैरानी से देख रही थी। आलिया ने अपना फोन निकाला और इंस्टाग्राम ओपन किया तो देखा कि फैन वॉर अब खत्म हो चुका था और स्टारडम नाइट ग्रुप के लीडर की फोटो फ्लैश हो रही थी। आलिया उन फोटोज को कुछ सेकंड तक देखती ही रह गई। उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। उसने लगभग चीखते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो स्टारडम नाइट ग्रुप लीडर सिद्धार्थ ओबेरॉय था। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को
और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।